viewers. Today I am going to tell you about COVID-19, how does it affect your body. COVID-19 या आपके शरीर को कैसे प्रभावित करना पढ़ना आपके लिए मददगार हो सकता है, जरूर देखें। कोरोना वायरस ब्रेन डैमेज, देयर आर थ्री वेज COVID-19 इम्पैक्ट द ब्रेन एंड नर्वस। ब्रेन एंड नर्व्स को कैसे कोरोना वायरस इम्पैक्ट करता है। While initially the SARS-CoV-2 virus was thought to impact the respiratory system of body, several studies have underlined that novel coronavirus can also trigger a wide range of neurological system in the human body. लोग ये सोचते हैं केवल respiratory system को वो affect करता है, ऐसा नहीं है, वो nervous system, neurological system को भी affect करता है. Neurological system of the coronavirus. The novel coronavirus impact the central nervous system leading to neurological system. Nervous के system के central को वो affect करता है. इससे problem क्या होती है? It's infect several people who have recovered from mild illness from the disease later noted trouble with the concentration, confused thoughts and memory issue. अब उनको ना ही concentration रह जाता है, जो लोग ठीक हो चुके हैं उसके बाद इनमें कंफ्यूजन रहता है, मेमोरी लॉस रहता है। एज ऑफ नाउ क्लियर लिंक हैव बीन एस्टेब्लिश्ड दैट द वायरस डस कॉज प्रॉब्लम इन द ब्रेन इंक्लूडिंग कंफ्यूजन। वायरस की वजह से लोगों में कंफ्यूजन, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है और स्ट्रोक आ सकता है और टेस्ट और स्मेल ख़त्म हो सकती है, जिसको एनोस्मिया कहते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम ब्रेन की वजह से आती है। कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन, COVID-19 अफेक्ट ऑन ब्रेन इंक्लूडिंग अ डिक्लाइन इन कॉग्निशन लीडिंग टू वर्सनिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक डिमेंशिया। अब डिमेंशिया, डिमेंशिया में क्या होता है, आदमी भूल जाता है, पुराने पास्ट में जा सकता है, आपको पहचानेगा नहीं, आपके बारे में बता नहीं पाएगा, सब भूल जाता है वो। स्ट्रोक ड्यू टू ब्लड क्लॉट, अब बाद में ब्लड क्लॉटिंग होने से स्ट्रोक आ सकता है। शेड रिसेंट स्टडी ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट शेड लाइट ऑन एबनॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग लीडिंग टू स्ट्रोक व्हेन अ ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड इन आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन। इट्स कट ऑफ द ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, रेड ब्लड सेल्स ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है। इनफैक्ट मैनी कोविड पेशेंट विद अ सीवियर इलनेस डेवलप ब्लड क्लॉट इन इंटेंसिव केयर इवन आफ्टर दे आर पुट ऑन ब्लड थिनर ड्रग्स। वॉट इज ट्रूली शॉकिंग इज द ग्रोइंग एविडेंस सजेस्ट दैट सम ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज could be caused by blood clotting. तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि केवल लंग्स की वजह से नहीं आदमी मरता, कोरोना वायरस में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड जाना बंद हो जाती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स आ जाते हैं और आदमी मर जाता है। ये देखिए ब्लड में कैसे कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा है। ब्रेन इन्फ्लेमेशन, अब उसकी वजह से ब्रेन में एनसेफेलाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, ब्रेन सूजने लगता है। According to study published in the Lancet Psychiatric, almost half of the 125 coronavirus patients admit in the UK hospital suffer from brain inflammation, while the other half had a stroke owing to blood clot. As per the researchers, one of the ways COVID attack the body is by causing inflammation and swelling of the brain. आधे से अधिक लोग क्या होता है, ब्रेन के स्वेलिंग की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होने से ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंच पाती। अनदर स्टडी पब्लिश इन अ जनरल ब्रेन हाइलाइटेड द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कॉज बाय द नोवल कोरोना वायरस। दीज कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ब्रेन इन्फ्लेमेशन, नर्व डैमेज, स्ट्रोक एंड डिलीवरी। अब उससे क्या होगा, ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा नर्व सिस्टम और स्ट्रोक आ जाएगा। तब इस सबसे बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, सबसे इफेक्टिव चीज़ है। आप लोगों से दूर रहिए, 2 मीटर 6 फीट दूर रहिए, अच्छा खाइए, ईट करिए, डाइट ईट बैलेंस डाइट,
ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, गेट इनफ स्लीप, प्रॉपर स्लीपिंग करिए, सोना सोइए, एक्सरसाइज करिए, अपनी मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करिए और फैमिली और फ्रेंड के सपोर्ट को पाइए. स्टे इन्फॉर्म विद द सिचुएशन दैट चेंजेस डेली, मेक श्योर लुक फॉर एविडेंस बेस्ड सोर्स टू अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन. रोज क्या उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, नया नया म्यूटेंट आ रहा है, तो कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स चेंज होने से उसका ट्रीटमेंट भी चेंज हो रहा है, तो उसको अवेयर रहिए. नहीं तो कोई गलत मेडिसिन देकर आपको मिसलीड कर सकता है, और नई इंफॉर्मेशन को हमेशा जानते रहिए. और हो सके तो लोगों की सहायता करिए, या डोनेशन दीजिए, या लोगों जिस भी तरह से किसी की अगर सहायता कर सकती हैं तो करिए. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे. प्लीज़ विजिट माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. एंड मैनी मोर वीडियो रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग द कोरोना वायरस आई हैव मेड टुडे, आई विल मेंशन इन अ सेपरेट लिस्ट नेम फ्रॉम कोरोना, एंड यू कैन फॉलो ऑल दोज वीडियो. उसमें हमने आपको मास्क कैसे पहनिए, वैक्सीन कैसे लगाइए, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाइए, सारी चीज़ें बता रखी हैं. आप उसको फॉलो करिए. डेटा एनालिसिस कोरोना का कैसे करें एक्सेल में, कल ही बनाया था हमने, उसको देखिए और समझिए. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल टुडे. इफ यू लाइक इट प्लीज़